नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो इटसेल्फ, जीरो ही जीरो पॉलिनोमियल है। सो जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। एंड जीरो कैन बी रिटन एज जीरो इंटू एक्स टू द पावर टू भी लिखा जा सकता है। जीरो कैन बी रिटन एज जीरो इंटू एक्स टू द पावर फाइव भी लिखा जा सकता है। कुछ भी लिख दें, क्योंकि डिग्री कुछ भी लगा दें वो जीरो ही रहेगा। सो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। What is the degree of constant polynomial? Write one example of constant polynomial. Give one example. So like 7 is a constant polynomial, so example is 7, jisme koi variable na ho, it is free from variable, it is free from variable. So 7 can be written as 7 into x to the power 0. So degree of constant polynomial is 0, because exponent raised टू एक्स इज जीरो। और हम जानते हैं एक्स टू द पावर जीरो वन होता है, तो वन से तो कहीं भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इज एक्स प्लस वन बाई एक्स अ पॉलिनोमियल। If yes, then write its degree. ये पूछा जा रहा है। So x plus 1 by x can be written as x plus x to the power 1 minus 1. So any term of the polynomial cannot have negative exponent. So it is not a polynomial. Any term of the polynomial may have negative exponent. Negative भी नहीं रख सकती है, और half या fraction भी नहीं रख सकती है, 3/2 और fraction exponent. एक्सपोनेंट शुड बी आइदर पॉजिटिव और जीरो। एक्सपोनेंट्स शुड बी आइदर पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, और जीरो। सो अबव इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो अबव इज नॉट अ पॉली नॉमियल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। जैसे कि रूट टू एक्स प्लस एक्स
root x. Now 2x plus x to the power 3 by 2 and x plus x to the power minus 2. So ये सारी values दी गई और इसमें पूछा गया है कि कौन सा polynomial है. So it is root 2x plus x into x to the power half, that is root 2x plus x to the power 1 plus half, क्योंकि 1 इसकी power है, half इसकी power है, that is root 2x plus x to the power, अगर LCM लोगे 1 plus 1 by 2 का तो 3 by 2 आ जाएगा, which is a fraction as exponent of variable in one of its term is a fraction, so it is not a polynomial. क्योंकि कोई भी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहां पर भी वही चीज है. सो इट इज अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल. हियर एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, सो इट इज अगेन नॉट ए पॉलिनोमियल, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए. कोफिशियंट रेशनल और इरेशनल हो सकता है. इन ए पॉलिनोमियल कोफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म में भी रेशनल और इरेशनल. In a polynomial, इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल मे बी रेशनल और इरेशनल, ऐसा हो सकता. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन लीनियर पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो लेट अस टेक सम लीनियर पॉलिनोमियल. तो उससे समझने में आसानी होगी कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे. सो पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. जैसे कोई हमने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया तो उसमें वन डिग्री, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है. सो इसको जीरो पुट कर दो और उसके लिए एक्स को सॉल्व कर दो, वही इसका जीरो होगा. सो इसको आप जीरो पुट कर दें, सो इट इज ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. So, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया. नाउ लेट अस सी, जस्ट टेक एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू. तो मैं एक्स की जगह क्या रखूं कि पॉलिनोमियल टर्मिनेट होके जीरो हो जाए. सो यहां आप देख लीजिए ब्रैक, यहां काम कर लें कि फाइव एक्स प्लस टू को ही जीरो पुट कर दें. तो फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव, यही इसका जीरो हुआ. और वैसे वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जो वैल्यू आई है माइनस टू बाई फाइव, इफ वी पुट इट ओवर हियर, सो फाइव इंटू माइनस टू बाई फाइव प्लस टू, सो फाइव से फाइव कट गया और माइनस टू प्लस टू दैट इज जीरो. सो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में चूंकि उसको सॉल्व करने पर एक्स की केवल एक वैल्यू आती है, सो इट हैज वन जीरो. लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन जीरो. अगर हम उस पॉलिनोमियल को जीरो रख के सॉल्व कर लें, जितनी एक्स की वैल्यू आएंगी वही उसके जीरो. हमने रख के भी देख लिया, वही चीज यहां रखी, देखिए जीरो आ गया. सो फर्स्ट है कि लीनियर पॉलिनोमियल में इतने जीरोज होते हैं. सेकंड देखते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू सेवन. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी एक्स इज इक्वल टू सेवन इंटू एक्स टू द पावर जीरो. अब यहां पर आप एक्स को कुछ भी रखते रहें, ये चीज जीरो नहीं हो सकती, वैनिश नहीं हो सकती. सो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज, क्योंकि एक्स को 10 रख दो, 20 रख दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो 1 हो जाएगा, 10 टू द पावर 0 1 हो जाएगा और 7 रह जाएगा. कोई भी चीज इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना सकती, एक्स को चाहे आप कुछ भी रख लें. सो एनी वैल्यू ऑफ एक्स कैन नॉट मेक दिस कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो. एनी
value of x can not make value of this constant polynomial. Equal to 0. So constant polynomial has no zeros. थर्ड है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या जीरोस होते हैं और अगर होते हैं तो कितने होते हैं. सो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसी फॉर्म का है. आप एग्जांपल के तौर पर ले लें जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया सेकेंड डिग्री का, तो इसे आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स लिख सकते हैं. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, इन दोनों का प्रोडक्ट करो सिक्स आ जाएगा और ऐड करने पे माइनस फाइव आ जाएगा. तो इसे एक्स माइनस थ्री लिखा जा सकता है और यहाँ भी एक्स माइनस थ्री आ जाएगा और ये एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा. किसी भी चीज़ का जीरो पाना है तो आप उसको जीरो कर दो और जो एक्स के लिए सॉल्व हो वही उसके जीरोज होंगे. तो कोई भी चीज़ जीरो होती है तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो पहला जीरो होगा या दूसरा, तभी उस चीज़ का प्रोडक्ट जीरो हुआ है. तो या तो x माइनस टू ही जीरो होगा या फिर x माइनस थ्री जीरो होगा या दोनों ही जीरो हो सकते हैं. तो x की वैल्यू टू आ गई और x की वैल्यू थ्री आ गई, तो इसके टू जीरोज हुए. कैसे टू जीरोज हुए? अब अगर हमारे पास ये पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है तो आप उसमें 2 पुट करके देख लें, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. तो जो वैल्यू किसी पॉलीनोमियल को 0 बना दे वो उसका जीरोस कहलाती है. तो 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, 2 इसका जीरोज हो गया. ऐसे ही अगर मैं 3 पुट कर दूं, देखो ये 3 आया है ये 2 आया है तो 2 तो पुट कर ही लिया है, सो दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, इसी में पुट कर रहा हूं, माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15 प्लस 6, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस वाले को अलग रखो तो ये भी जीरो आ गया. तो इससे ये पता चलता है कि 2 एंड 3 आर द टू जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल. या ये पता चलता है कि चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में दो फैक्टर बनते हैं, एक फैक्टर ये बना और एक फैक्टर ये, तो दो ही फैक्टर बन सकते हैं और उन दोनों को जीरो रखने पे एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, दो ही वैल्यूज आ सकती हैं. सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैज टू जीरोज. और कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे भी हैं जो क्यूबिक पॉलीनोमियल को भी आपने फैक्टराइज किए हैं. सो क्यूबिक पॉलीनोमियल जैसे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपकी एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो उसमें थ्री फैक्टर बनते हैं, तो थ्री फैक्टर को अलग अलग अगर जीरो रख के सॉल्व करोगे तो एक्स की थ्री वैल्यूज आ जाएंगी. सो क्यूबिक पॉलीनोमियल हैज थ्री जीरोज. क्वेश्चन सेज माइनस फोर इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल. अगर माइनस फोर इसका जीरो है तो माइनस फोर डालने पे इसे जीरो हो जाना चाहिए, तो माइनस फोर डालिए और इसको जीरो के इक्वेट कर दीजिए, इससे के की वैल्यू पता चल जाएगी. सो वी आर पुटिंग पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस के, इसमें एक्स की जगह है माइनस फोर डाल देते हैं. सो Now it is p of minus 4 is equals to minus 4 square plus 11 into minus 4 plus k, however it is equals to
जीरो, क्योंकि ये इसका जीरो है तो वो इस पॉलीनोमियल को जीरो बना देगा। इट इज 16 माइनस 44 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो 44 में से अगर 16 चला जाएगा तो इट बिकम्स एज 28 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज के इज इक्वल्स टू, और ये भी निगेटिव में आएगा माइनस 28, क्योंकि बड़े वाले का साइन तो रहेगा, ये माइनस है तो बड़े का साइन रहेगा। सो के इज इक्वल टू फिर माइनस 28 उधर चला जाएगा, सो इट इज 28। सो के इज इक्वल टू 28। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू रूट टू, सो लेट अस फाइंड इट आउट रूट टू पर। सो इट इज रूट टू का क्यूब, यहाँ पर आपको एक बार क्वेश्चन लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, माइनस 3 रूट टू स्क्वायर माइनस 2 रूट टू प्लस 6। सो इट इज रूट टू का क्यूब क्या होगा, रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, सो दैट इज इक्वल्स टू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू। दो रूट टू मिलकर तो 2 हो जाएंगे, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, तो दैट इज 2 रूट टू। सो 2 रूट टू माइनस 3 रूट टू इंटू रूट टू दैट इज 2 माइनस 2 रूट टू प्लस 6। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन के हैं, और ये माइनस 6 है और ये प्लस 6 है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इससे पता चलता है कि रूट टू इज द जीरो ऑफ अबव पॉलीनोमियल, क्योंकि इसने इस पॉलीनोमियल को जीरो बना दिया। ये जानकारी के लिए है, पूछा तो नहीं गया है, बस वैल्यू पूछी गई है, इज डिजायर्ड वैल्यू, इज वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। लेकिन इससे हमें एडिशनल जानकारी मिलती है कि रूट टू इसका जीरो है, क्योंकि उसने उस पॉलीनोमियल को जीरो बना दिया है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इस पॉलीनोमियल के जीरो हैं, तो a एंड b को पता करें, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो y को एक बार आप 2 रख दें, क्योंकि 2 इसका जीरो है तो वो इसे जीरो बना देगा, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, इट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी जीरोस को रखने से पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। सो 2 क्यूब इज 8, 8 टू जा 16, 16 माइनस 4 5 जा 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू जीरो। अब ये 16 माइनस 20 है तो माइनस 4 बचेगा, सो माइनस 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 20। सो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, माइनस 4 को उधर ले गए, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब f 0 को पुट करो, इसी में 0 को पुट करो, सो 2 इंटू 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b, चूंकि 0 भी इसका 0 है तो वो उसको 0 बना देगा। सो ये भी और ये भी, ये सारे वैनिश हो जाएंगे, एंड इट विल गिव एज 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, पुट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इसमें डालने पर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सो दिस गिव्स अस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, 4 दिया है, तो यही इसी में डाल दिया, तो b की वैल्यू 0 हो गई, तो इट इज 2a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 2, सो a और b की वैल्यू आ गई। Question says that fx is given, a polynomial, linear polynomial is given, and we have to find the value. So, f7 kya ho jayega? That is 3 into 7 plus 5, that is 7, 3 ja 21 plus 5, it is equals to 26. f5 kya ho jayega? So,
थ्री इंटू फाइव है तो थ्री इंटू फाइव, जहां जहां एक्स है वहां हमें फाइव रखना है। सो थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस फाइव इट गिव्स अस 20। तो अब हमें चाहिए एफ सेवन माइनस एफ फाइव, इसकी वैल्यू चाहिए। सो एफ सेवन की वैल्यू 26 आई है जबकि एफ फाइव की वैल्यू 20 आई है। सो दिस गिव्स अस 6 एंड इट इज डिजायर्ड आंसर। क्वेश्चन सेज दैट इफ एफ एक्स इज ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां आप देखिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको चेक करना है कि क्या एल एच एस आर एच एस के इक्वल है। सो एफ जीरो क्या होगा, जीरो टू द पावर फोर माइनस फोर जीरो क्यूब प्लस थ्री जीरो स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो प्लस वन, सारे तो जीरो हैं तो आंसर वन आ जाएगा। एफ माइनस वन क्या होगा, सो माइनस वन टू द पावर फोर माइनस फोर माइनस वन क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, माइनस वन को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वन आ जाएगा। माइनस वन इंटू माइनस वन वन होता है और फिर माइनस वन इंटू माइनस वन वन हो जाएगा, फिर दोनों का वन इंटू वन वन हो जाएगा, और अगर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन आ जाएगा। सो फोर इंटू माइनस वन टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस टू प्लस वन, दिस इज वन प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, सो फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस टू एट प्लस टू टेन और प्लस वन इलेवन, तो ये इलेवन आ गया। एफ टू का भी पता कर लें कि एफ टू कितना है, सो एफ टू इस टू टू द पावर फोर, इसी में वैल्यू रखनी है, माइनस फोर इंटू टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू प्लस वन, टू टू द पावर फोर 16 होता है और एट फोर जा 32 प्लस फोर थ्री जा 12, टू टू जा फोर प्लस वन, सो इट इज प्लस प्लस को जोड़ दो 16 प्लस 12 28, 28 में वन जोड़ेंगे तो 29, और यहां पर 32 में 4 जोड़ देंगे तो 36। सो हमारे पास माइनस का 7 बच रहा है। नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज सेम और नॉट। सो एल एच एस क्या है, एल एच एस है एफ जीरो इंटू एफ माइनस वन। एफ जीरो की कितनी वैल्यू आई है, एफ जीरो की वैल्यू आई है 1 और एफ माइनस वन की क्या आई है 11। सो दिस इज इक्वल्स टू 11। और आर एच एस क्या है, एफ टू, देख लो आर एच एस एफ टू है। सो एफ टू कितना आया है, यहां से आ गया है माइनस 7। तो क्या एल एच एस और आर एच एस सेम है, बिल्कुल नहीं। सो एज एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, सो इट इज दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। तो हमें चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है, एज लिखने की जरूरत नहीं है। सो एल एच एस इज नॉट हैंस चेक्ड, यही आपने चेक किया है। नेक्स्ट इज ए सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट एफ एक्स इज गिवेन एंड फाइंड द सम ऑफ एफ टू एफ माइनस टू एंड एफ जीरो। सो वॉट इज एफ टू, एफ टू इज टू क्यूब माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू माइनस फोर, दैट इज एट माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस सिक्स माइनस फोर। सो प्लस प्लस को ऐड कर दें, एट सिक्स 14 होता है माइनस 16 जो कि माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे ही f माइनस 2 को पता करें, व्हाट इज f माइनस 2, माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 8 एंड 4 थ्री जा 12, सो 4 तो ये हो गया, इसको 4 लिख लें फिर माइनस 12 आ जाएगा, और ये माइनस 6 हो गया और नेक्स्ट हो गया माइनस 4।
इट इज माइनस 8 माइनस 12 एंड माइनस 6 माइनस 4 तो माइनस 10 ही हो गया। तो अब सभी चीज़ें तो माइनस माइनस हैं तो सब ऐड हो जाएंगी। सो माइनस 20 और माइनस 10 तो ये हो गया माइनस 30। अब एफ ज़ीरो का भी पता कर लें। एफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4। सारे तो 0 0 हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसका आंसर माइनस 4 आ जाएगा। नाउ अब इन सभी चीज़ों को ऐड कर लिया जाए जैसा कि यहाँ दिया गया है। सो एफ 2 प्लस एफ माइनस 2 प्लस एफ 0 इज इक्वल्स टू एफ 2 की वैल्यू डालो माइनस 2, एफ 2 की वैल्यू डाल दी, एफ माइनस 2 की माइनस 30 और इसकी वैल्यू माइनस 4। सारी वैल्यूज हमने डाल दी हैं। सो इट इज माइनस 2 माइनस 30 माइनस 4। सो माइनस 32 हो जाएगा और माइनस 4 और जुड़ जाएगा तो इट इज माइनस 36 इज द डिजायर्ड आंसर। सिमिलर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एफ एक्स इज गिवेन एंड वी हैव टू इवेलुएट द गिवेन एक्सप्रेशन। सो वॉट इज एफ 2? इट इज 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। सो 4 माइनस 10 प्लस 7 दैट इज 11 माइनस 10 जो कि 1 आ जाएगा। फिर एफ माइनस 1 निकाल लीजिए। सो दैट इज माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 7 दैट इज 1 प्लस 5 प्लस 7 तो 6 प्लस 7 13 आ जाएगा। और एफ 1 बाई 3 का भी पता लगा लें कि ये कितना आएगा। सो एफ 1 बाई 3 इट इज इक्वल टू 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 बाई 3 प्लस 7 सो 1 बाई 9 माइनस 5 बाई 3 प्लस 7। इनका एलसीएम ले लें। सो 1 माइनस 3 3 जा 9 और फिर उसका 5 में मल्टीप्लाई करो 15 7 बाई 1 तो 1 9 जा 9 और ये 9 7 जा 63 तो ऊपर 64 माइनस 15 आ गया बाई 9 तो 64 है तो ये 9 हो गया और बाकी एक इसका कैरी हो गया तो 5 में से बन गया 49 बाई 9 जो कि कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। अब इन तीनों ही चीज़ों को हम कंप्यूट कर लें, जो एक्सप्रेशन है उनको जोड़ दें। सो एफ 2 प्लस एफ माइनस 1 प्लस एफ 1 बाई 3 इट इज इक्वल्स टू, देखिए एफ 2 कितना आया है 1 और एफ माइनस 1 कितना आया है 13 और प्लस 49 बाई 9 तो ये हमारी तीनों एक्सप्रेशन आ गई हैं। हियर सो इन सबको आप जोड़ लें तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। सबको समेशन करना है। सो हियर इट इज 9 सो 9 आ गया 13 बाई 1 1 9 या 9 तो 9 से करेंगे 117 और यहाँ करेंगे तो 49। इन सभी को जोड़ लें आप। सो 117 49 और 9 सो 9 9 18 18 प्लस 7 तो 25 तो इट इज 7 175 सो 175 बाई 9 दिस इज द आंसर। ये किसी चीज से कटता नहीं है, ये को प्राइम है। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन इज सेड अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। जिस चीज से डिवाइड करना है उसको जीरो के इक्वल पुट करो और फिर मान लीजिए एक्स माइनस ए से डिवाइड करना होता तो हम एक्स माइनस ए को जीरो पुट करते और एक्स की वैल्यू निकालते। अब यहाँ तो सिर्फ वाई है तो जो भी चीज़ होती है जिससे डिवाइड करना होता है उसको जीरो को इक्वल पुट करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं।
तो यहाँ y आ गया। मान लीजिए आपको x माइनस टू से डिवाइड करना होता तो उसको जीरो के इक्वल पुट करते और x की वैल्यू टू आ जाती, फिर इस पॉलीनोमियल में हम टू डाल देते तो रिमाइंडर आ जाता, यही रिमाइंडर थ्योरम होती है। यहाँ चूंकि सिंपल टर्म है तो हमें उसे को ही जीरो पुट करना पड़ेगा, तो y जीरो आ गया है। अब इसी को आप प्लेस कर दें जो पॉलीनोमियल आया है, ये y के टर्म्स में है, तो पी वाई इज इक्वल्स टू 5y³ माइनस 2y² माइनस 7y+1, सो पी जीरो इज इक्वल्स टू 5 × 0³ माइनस 2 × 0² माइनस 7 × 0+1, सो ये सारे के सारे जीरो हो रहे हैं तो 1 आ गया, क्योंकि 0 + 0 माइनस 0 + 1 इज रिमाइंडर, छोटा है बड़ा नहीं है। बाई रिमाइंडर थ्योरम। सो दिस इज बाई रिमाइंडर थ्योरम, इसका रिमाइंडर 1 आ गया है। इफ एक्स टू द पावर 11 + 101 इज डिवाइडेड बाई x+1 देन वॉट विल बी द रिमाइंडर। जहां भी रिमाइंडर आपको निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम लिखनी है और ये भी लिखना है दिस इज द रिमाइंडर। सो जिस चीज से हमें डिवाइड करना है सबसे पहले उसको जीरो पुट करें, तो x की वैल्यू -1 आ गई, अब उसी को पॉलीनोमियल में डाल दें। तो हमारा पॉलीनोमियल है x टू द पावर 11 + 101, उसी में -1 को डाल दें, सो इट इज -1 to the power 11 + 101। चूंकि इसका एक्सपोनेंट ऑड है इसलिए इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, 101। सो फाइनली ये 100 आ जाएगा, 100 इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। सो द सिमिलर इज द मेथड्स, रिमाइंडर थ्योरम में जिससे डिवाइड करते हैं उसे जीरो पुट करके वैल्यू निकालते हैं और पॉलिनोमियल में डाल देते हैं। क्वेश्चन सेज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर व्हेन द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सम लीनियर पॉलिनोमियल। सो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है तो उसके लिए एक्स माइनस हाफ को जीरो पुट करें, तो इससे एक्स की वैल्यू हाफ आ जाएगी और यही वैल्यू पॉलिनोमियल में आप डाल दें। सो पॉलिनोमियल इज x³ + x² + x+1 एंड पुट हाफ, क्योंकि हाफ आया है डिवाइजर को जीरो पुट करने से, एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन हाफ आया है, सो इट इज 1/2³ + 1/2² + 1/2+1। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2³ तो 1/8 आ जाएगा, देखिए 1/2³ है, और 1/2² 1/4 आ जाएगा, और ये हाफ आ जाएगा और ये 1। इन सब का आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम 8 बनेगा, तो 8 1 जाए 8, 4 2 जाए 8 एंड 2 4 जाए 8, और यहाँ से करें 1/1 तो 1 8 जाए 8, सो 8 + 4 = 12, 12 + 2 = 14 + 1 = 15, तो 15/8 इज रिमाइंडर, और यहां लिख दें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव गॉट द रिमाइंडर विच इज 15/8। क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय 2x-1। जिस चीज से डिवाइड करना हो उस चीज को आप जीरो पुट कर दें और एक्स के लिए सॉल्व कर लें, सो 2x = 1, सो x = 1/2, और यही वैल्यू पॉलीनोमियल में डाल दें, यही रिमाइंडर थ्योरम है। सो पॉलीनोमियल क्या है, f(x) = 4x³ - 12x² + 14x - 3, सो f(½) = -12½² + 14½ - 3, सो दिस इज 4 × 1/8 माइनस 12 × 1/4
प्लस 14/2, तो यहाँ 2 से ये कैंसिल होकर 7 आ जाएगा, और -3 यहाँ पर भी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी तो हाफ आ जाएगा, यहाँ कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ 4 आ जाएगा। फर्दर इन दोनों में कंप्यूट हो जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 में एलसीएम ले लो तो 1 1/2 कितना होता है, दैट इज़ 3/2, वरना एलसीएम लेकर भी इस चीज़ को निकाला जा सकता है। सो द रिमाइंडर इज 3/2, यहां लिखते हैं इज रिमाइंडर, और कहीं पर लिख लें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, द होल प्रोसेस इज रिमाइंडर थ्योरम, तो कहीं भी लिख सकते हैं। सो दिस इज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। नाउ क्वेश्चन सेज दैट By actual division, find quotient and remainder. तो हमें actual division से अब ये बात पता करनी है। So 2x-1, इससे आप 2x³+3x²-9x+4, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसमें एक्चुअल डिवीजन करें। यहाँ 2x है, यहाँ 2x³ है, तो आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उससे कोफिशेंट इक्वल हो जाएगा। करो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर इंटू 2x, दैट इज 2x³, फिर एक्स स्क्वायर का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो -x², तो उसको आप यहाँ लिख लें और सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ चली गई। और यहाँ पर 3x² + x², दैट इज 4x², बाकी चीज़ों को आप डिसेंड कर लें, उतार लें। नाउ अब ये 4x² है जबकि ये 2x है, तो मैं अगर 2x + 2x का मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम साइन वाला सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो 2x × 2x दैट इज 4x², और इसी 2x का इस पर मल्टीप्लाई करें तो -2x। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं, सो -9x और +2x से आ जाएगा -7x + 4। तो यहाँ -7x है जबकि ये 2x है, तो मैं -7x कैसे लाऊं, तो सबसे पहले निगेटिव लाना है, तो निगेटिव भी लाना है और 7 भी लाना है, लेकिन 2 हटाना भी है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे और 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो -7/2 से अगर आप 2x में मल्टीप्लाई करें तो हमें -7x मिल जाएगा, ज़रा इस चीज़ को देखें। सो ऐसा करने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -7x आ जाएगा। तो जो चीज़ हमें चाहिए, पहले तो हमें 2 एलिमिनेट करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ा, फिर 7 लाना भी है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, माइनस भी लाना है तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, x है ही, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा -7x आ गया है। और अब इससे -1 में मल्टीप्लाई किया, -7/2 से अगर -1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, दैट कम्स एज 7/2, तो यहाँ पर प्लस में 7/2 लिख लें और सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और 4 - 7/2, तो 4 - 7/2 क्या होगा, 2 तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 8 - 7, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 1/2 पॉजिटिव का। इस रिमाइंडर जबकि ये कोशेंट हो गया, तो कोशेंट को अलग से लिख लें कि x² + 2x - 7/2 इज कोशेंट। तो कोशेंट एंड रिमाइंडर पूछे गए हैं और ये मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट दीज पॉलिनोमियल्स लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x+2। x+2 से अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर्स हैं वो सेम हैं, तो हम रिमाइंडर्स को इक्वेट कर लें और उसी के बेसिस पे k को निकाल लें। सो x+2 = 0, तो x = -2, यही वैल्यू हम दोनों में रखें और रिमाइंडर निकाल लें। सो पहले वाले में रखें px = 3x³ - 5x² + kx - 2, तो इसमें आप -2 पुट कर दें, सो 3 - 2³ - 5 - 2² + k - 2 - 2,
दिस इज -8, तो -8 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जै 24, तो -24 आएगा क्योंकि अंदर -8 है। ऐसे ही ये 4 है, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 20 और बाहर माइनस साइन है क्योंकि अंदर तो 4 आ जाएगा प्लस का और ये बाहर माइनस है। और ये -2k -2, जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं उनको सॉल्व कर लो। सो ये सॉल्व होने के बाद -44 आ जाएगा और -46 आ जाएगा। सो -2k -46 सारे ही निगेटिव हैं तो इसलिए -46 आ गया, सब जुड़ जाएंगे -46। ऐसे ही जो सेकंड पॉलीनोमियल है उसमें भी हम यही वैल्यू डालें, इसी से डिवाइड करना है तो यही वैल्यू डालें और उसमें रिमाइंडर पता कर लें। ये तो रिमाइंडर हो गया। नाउ qx इज -x³ - x² + 7x + k। सो क्यू ऑफ -2, इसमें भी वही वैल्यू डालें। सो -(-2³) - 2² + 7 × -2 + k, तो अंदर में -8 आ जाएगा और अंदर में यहाँ 4 आ जाएगा, ये -14 आ जाएगा और प्लस के। सो दिस इज 8 - 4 - 14 + k। पॉजिटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव रखें और माइनस वाली में -18 आ गया प्लस के, तो ये जो वैल्यू आई है ये k - 10 आ गई है क्योंकि सब्ट्रैक्ट होकर निगेटिव बनेगा, इज रिमाइंडर। बट दोनों के रिमाइंडर सेम है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम x+2 से दोनों को डिवाइड करें तो दोनों के रिमाइंडर सेम है, तो दोनों के रिमाइंडर सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दो, उसी से के आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर ऑफ px इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ qx, तो पहले का रिमाइंडर क्या है -2k - 46, जबकि दूसरे का रिमाइंडर क्या है k - 10। सो वॉट एवर आर देयर रिमाइंडर्स इट इज टू बी इक्वेटेड, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया है। नाउ अब यहां -2k है और इधर k है, तो k+2k इसको राइट हैंड साइड में ले लो और -46 + 10, तो यहां माइनस का 36 आ गया जबकि इधर 3k आ गया, तो k की वैल्यू -36/3 आ गई। सो दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू -12, तो k की वैल्यू आ गई है जो कि हमसे पूछी गई है एंड दिस इज आंसर। नाउ सिमिलर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें a की वैल्यू पूछी गई है और x-2 से दोनों को डिवाइड किया गया है और ये कहा गया है कि दोनों लीव्स सेम रिमाइंडर, सो लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले x-2 को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और जो फर्स्ट पॉलीनोमियल है उसमें हम 2 डाल दें। सो p2 = a(2³) + 3(2²) - 13, दिस इज 8a + 4 3 जै 12 - 13, इट इज इक्वल्स टू 8a - 1। ऐसा तो पहले पॉलीनोमियल में रिमाइंडर आया है, इज रिमाइंडर, इट इज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आप यहां लिख सकते हैं यूजिंग, ये तो लिखना ही है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इन ईच केस वी आर डूइंग द सेम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। एंड नेक्स्ट इज द qx, इट इज इक्वल्स टू 2x³ - 5x + a, यहां पर भी इसी से डिवाइड किया गया तो इसमें भी 2 पुट कर दें, सो दैट इज 2 × 2³ - 5 × 2 + a, सो इट इज 2 × 8 = 16 - 10 + a, सो दैट इज इक्वल्स टू 6 + a इज रिमाइंडर। हाउ एवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ द रिमाइंडर्स
आर सेम. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस a, तो 8a माइनस a इज इक्वल टू 6 प्लस 1, सो 7a इज इक्वल टू 7. सो a इज इक्वल टू 7 बाय 7 जो कि 1 हो जाएगा. सो a की जो वैल्यू आई है वो 1 आ गई है. दिस इज द डिजायर्ड आंसर. तो यही डिजायर्ड आंसर हो गया.